मुद्दों पर मतभेद की बात भी अगर एक तरफ रख दी जाए तो अगला सवाल यह है कि विपक्षी एकता का सूत्रधार कौन, वो धागा किसका होगा जिसमें विपक्षी दलों की माला से अलग अलग फूल पिरोए जा सकेंगे। सब अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से माला बनाने में ऊर्जा खपा रहे हैं। फिलहाल तो विपक्षी एकता अलग अलग गुलदस्तों सरीखी दिखाई दे रही है। यही पार्टी है जो बीजेपी के खिलाफ लड़ी। मित्र है जिनसे भी मेरा बात हुआ, वो लोग भी कह रहे हैं मिल के बात करते हैं। नीतीश कुमार जी भी योग्यता अनुभव के हिसाब से कम नहीं। एक राष्ट्रीय और स्वाभाविक विकल्प भाजपा का आम आदमी पार्टी बनती जा रही है। इट इज नॉट द प्राइम मिनिस्टर दैट मैटर्स, इट इज द नेशन। अगर हमको कांग्रेस को कमजोर करना होता हम कांग्रेस रूल्ड स्टेट में बैठ रहे। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों एक। बहुत सारी पार्टियां एक होने के लिए तैयार नहीं थी। अपने अपने मुद्दों को लेकर तो तलवारें आपस में चल ही रही हैं। अगर कभी यदा कदा हाथ मिल भी जाएं, तो गारंटी नहीं कि अगले ही पल तस्वीर क्या होगी, क्योंकि मोदी से टकराने के लिए विपक्ष ने आपस में ही एक दूसरे के इतने विकल्प बना लिए हैं कि विपक्षी एकता का संकल्प ही कहीं गायब दिखता है। यही पार्टी है जो बीजेपी के खिलाफ लड़ रही है, जो पीछे नहीं हटती है, आइडियोलॉजिकली लड़ रही है, और यही पार्टी बीजेपी को आने वाले समय में हरा के दिखाएगी। नीतीश कुमार जी कमिटेड है, नीतीश कुमार जी कटिबद्ध है, नीतीश कुमार जी उसके लिए समर्पित हैं। उम्मीद है कि जिस तरीके से दीदी ने भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला किया था, आने वाले चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर करके यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का सफाया। We are sharing our views how to win 2024. Congress will lead. जिनसे भी मेरा बात हुआ है वो लोग भी कह रहे हैं मिल के बात करते हैं। बहुत ही लोगों को जोड़ना पड़ेगा हमारे साथ, एक दो पार्टी या एक दो लोगों से होने वाली बात नहीं, कई लोगों का और जोड़ना पड़ेगा। उसके तहत उसको लेके कट्टर पॉलिटिकल विल के साथ ही हम आगे बढ़ेंगे। कोलकाता में अखिलेश ममता मिले तो कौन बनेगा प्रधानमंत्री का सवाल विपक्ष के खेमे में ही जोर से उछल गया। अखिलेश को बीजेपी के खिलाफ लड़ाई में दीदी पर अटूट भरोसा है, और दीदी को न केसीआर चाहिए, न राहुल, न नीतीश, न कोई और। बहुत सारे प्रदेश के जो मुख्यमंत्री आज हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि कोई न कोई एक ऐसा गठबंधन हो, नाम हम कुछ भी दे सकते हैं लेकिन मिल करके सब काम करें। और जहां तक सवाल नाम का है वो बाद में तय किया जाएगा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री कोशिश कर रहे हैं, नीतीश कुमार जी बिहार के कोशिश कर रहे हैं, स्टालिन भी कोशिश कर रहे हैं, आदरणीय ममता दीदी भी कोशिश कर रही हैं। तो ये प्रयास लगातार चल रहा है और मुझे उम्मीद है कि ये प्रयास सफल हो। जानी कुर्सी एक लेकिन दावेदार अनेक। अब ऐसे में या तो दावेदारों में जोर आजमाइश होगी या कुर्सी का सपना किसी के लिए नहीं अपना। एक मंच दक्षिण में स्टालिन का सजा तो सुर कुछ और निकले। लेट अस फॉरगेट हु इज गोइंग टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर, लेट अस फर्स्ट विन द इलेक्शन देन थिंक हु इज गोइंग टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर। इट इज नॉट द प्राइम मिनिस्टर दैट मैटर्स, इट इज द नेशन दैट मैटर्स। इफ यू कैन सेव द नेशन वी कैन सेव एवरीवन इन दिस कंट्री। स्टालिन इट इज टाइम to move on, come to the national scene, come to the nation, and let's put differences on one side. KCR ने अपनी सियासी महफिल सजाई तो कांग्रेस को ही बाहर कर दिया। KCR को न नीतीश चाहिए न तेजस्वी, फिलहाल केजरीवाल का साथ भा रहा है, लेकिन पीएम पद के लिए उनकी चाहत भी किससे छुपी है, वरना वो अपनी क्षेत्रीय पार्टी को राष्ट्रीय क्यों बनाते। कांग्रेस से निश्चित दूरी बनाकर तो वैसे समाजवादी पार्टी भी चल रही है। हमारी पार्टी का सिद्धांत अलग है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों एक हैं। नीतीश कांग्रेस को बुला बुला कर न जाने कितने अगर मगर कर चुके हैं। आप तो कांग्रेस के नेता लोगों से भी सब खरीदी है, अभी तो बहुत अच्छा यात्रा हो गया।
यात्रा तो बहुत अच्छा हो गया, लेकिन हम इसके आगे थोड़ा सोच लीजिए। हम तो उसी के लिए इंतजारे कर रहे हैं। जब तक हम तो जाके दोनों को कह दिए हैं, हम कह दिए हैं कि भाई सोच लीजिए आगे, जो कहिएगा। अब बाकी अन्य पार्टियों का फोन आ रहा है और सब लोग कह रहे हैं कि बाकी लोगों का सबका मीटिंग कीजिए, सब बैठिए, सब जान लीजिए, हम वेट कर रहे हैं खाली। लेकिन उन दावों का क्या जो नीतीश की पार्टी की तरफ से ही उठते रहते हैं कि वो खुद पीएम बन सकते हैं। यूं भी पहले भी कई मुख्यमंत्री देश में प्रधानमंत्री बने हैं, चौधरी चरण सिंह बने हैं, देवेगौड़ा बने हैं, वीपी सिंह बने हैं, नरेंद्र मोदी बने हैं, नरसिंह राव बने हैं, इसलिए नीतीश कुमार जी भी योग्यता अनुभव के हिसाब से कम नहीं है। आम आदमी पार्टी तो 2024 की लड़ाई मोदी बनाम केजरीवाल की घोषणा करके खुद को रेस में सबसे आगे दिखाने की कोशिशें काफी पहले से ही कर रही है। आजाद भारत के इतिहास में सबसे तेज रफ्तार से बढ़ने वाली, ग्रो करने वाली राजनीतिक फोर्स पॉलिटिकल पार्टी है आम आदमी पार्टी, और पंजाब चुनाव के बाद एक राष्ट्रीय और स्वाभाविक विकल्प भाजपा का राष्ट्रीय स्तर पे आम आदमी पार्टी बनती जा रही। टीएमसी ने भी कभी जोर लगाया था, दिल्ली में बैठकें और मुलाकातें हुई, लेकिन अब उसके लिए कांग्रेस के समर्थन का मतलब जोर से ना है। दीदी की पार्टी तो कांग्रेस को बीजेपी का काउंटर पार्टी बताने लगी है। कांग्रेस अगर कहते हैं कि तृणमूल बीजेपी की बी टीम है, तो मैं कांग्रेस से सवाल करना चाहता हूं कि जब बंगाल में चुनाव हुआ और आप लेफ्ट के साथ अलायंस करके बीजेपी के हाथ मजबूत कर रहे थे, तो आप किसकी बी टीम थे या किसकी ए टीम थे? तृणमूल वहीं जा रहा है जहां पे बीजेपी की सरकार है। अगर हमको कांग्रेस को कमजोर करना होता तो हम कांग्रेस रूल स्टेट में पैर रखते। विपक्ष की कहानी जरा ऐसे समझिए, कांग्रेस के साथ कौन कौन नहीं, खुद कांग्रेस को नहीं पता। नीतीश किसे कबूल किसे नहीं, खुद नीतीश को नहीं पता। केजरीवाल का साथी कौन और कब तक, ये किसी को नहीं पता। स्टालिन, शरद पवार, उद्धव, इनका अपना अलग अलग मत है, यानी सबको या तो खुद बनना है पीएम या बनना है अपनी पसंद का पीएम बनवाकर किंग मेकर। नेता कोई हो, किसी एक को स्वीकार नहीं। इसमें कोई दबी छुपी बात नहीं रही कि पीएम की कुर्सी अगर एक अनार है, विपक्ष की तरफ से उसके कई बीमार हैं। ऐसे में विपक्षी एकता की कौन सोचे, पहले एक जैसी सोच तो हो जाए। बीते दिनों तीन राज्यों के चुनाव परिणामों से बीजेपी को जोश की बूस्टर डोज लग चुकी है। वहां मोदी एक नाम केवलम चल रहा है, विपक्ष फिलहाल सर्चिंग मोड में है।